नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र पर बनाए गए पावर स्टेशन की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, ब्रह्मपुत्र पर चीन के पावर स्टेशन से भारत की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। बहुत ज्यादा बढ़ना स्वाभाविक है। उनको विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न वार्ताओं में अलग अलग स्तर पर बताया भी गया है चीन को, और हमें इससे चिंतित होना भी चाहिए। ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है चीन की। देखिए, सबसे पहले तो चीन ने जिस तरीके से तिब्बत पर कब्जा किया वही है गलत, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मुंह देखता रह गया, लेकिन चीन ने तिब्बत को अपना हिस्सा बना लिया। अब उसी तिब्बत में उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना को बनाया है, जम परियोजना जो है। इसमें 10,000 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने वहां पर बिजली का संयंत्र लगाया है, और उसकी वजह से जो बांध वगैरह उन्होंने वहां पर बनाए हैं उससे निश्चित तौर पर ब्रह्मपुत्र के बहाव का भारत में जो प्रभाव पड़ेगा वो चिंता का विषय है। क्योंकि जल जो है वो प्राकृतिक संसाधन है और वो सीमाओं को नहीं देखता। सीमाओं में तो हमने बांट रखा है, तो ब्रह्मपुत्र जब वहां से होकर यहां आती है तिब्बत से, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए ये चिंता का विषय है कि जब ये परियोजना बनेगी और वहां पर बांध के जलाशय जो बनाए गए हैं उनमें पानी को रोका जाएगा, तो ऐसे समय में हमारे यहां तक वो पानी कितना पहुंच पाएगा। यदि कि ऐसी भी आशंका है कि चीन जो है ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को रोक सकता है या बदल भी सकता है उसको। देखिए, चीन ने जिस तरीके से तकनीकी विकास किया है, चीन जितने तरह से बहुत अति महत्वाकांक्षी अपनी सब चीजों को लेकर, दूसरी बात यह कि चीन के इरादों का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं लगता कि 62 के बाद से चीन में कोई सकारात्मक बदलाव आया, बल्कि 62 के बाद से चीन उस दिशा में ज्यादा मजबूत, ज्यादा शातिर हो गया है। चीन एक तरफ तो व्यापार व्यवसाय के जरिए दुनिया में अपनी पैठ बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ अपनी सामरिक शक्ति को भी बहुत मजबूत कर रहा है, और इस तरह की परियोजनाओं के पीछे उसका ठीक ठीक मकसद क्या है यह भी तय करना मुश्किल है। क्योंकि उसका हर कदम जो होता है वो उसके दो मुंह होते हैं। एक तो वो विकास की बात करता है, बताता है कि मैं अपने विकास के लिए, अपनी बेहतरी के लिए कर रहा हूं। अगर वो अपनी बेहतरी के लिए कर रहा होता तो लेह का और अक्साई चीन का जो इलाका है उसके आसपास जो उसने सड़कें बनाई हैं, जो रेल के स्टेशन बनाए हैं, जो हवाई अड्डे बनाए हैं, वो नहीं बनाए होते। क्योंकि वहां पर इतनी लोग जाते ही नहीं, इतनी लोग यात्रा ही नहीं करते, वो वीरान सा इलाका है। पर उस वीरान से इलाके में मैं इतनी मजबूत, बड़ी चौड़ी सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन जो उसने बनाए हैं वो निश्चित तौर पर केवल अपने देश के लोगों की सुविधा के लिए नहीं बनाए हैं। उसकी सामरिक और रणनीतिक महत्व है जो हिंदुस्तान की भी समझ में आ रहा है, और इसलिए हिंदुस्तान चिंतित है। उसी तरीके से इस परियोजना से निश्चित तौर पर वो बिजली बनाकर वहां मध्य तिब्बत के प्रांत के लिए और अपने खुद के लिए भी बनाएगा। लेकिन हमारी चिंताएं बहुत जायज हैं, क्योंकि ये तिब्बत में जो यालुंग झांगो के नाम से कहलाती है, वो ब्रह्मपुत्र हमारे यहाँ पे भी पूरे असम से लेकर नीचे तक, जब तक वो बांग्लादेश में प्रविष्ट नहीं हो जाती तब तक हमारे यहाँ के लिए एक बड़ी जीवनदायिनी नदी के रूप में भी है। और ब्रह्मपुत्र को लेकर दूसरी चिंताएं इसलिए भी हैं कि प्राकृतिक रूप से भी ये बड़ी अस्थिर नदी मानी जाती है, और इसका जो प्रवाह है उसने कई बार प्रलय का तांडव भी मचाया है। और जब उस प्रवाह को कोई और देश नियंत्रित करेगा, वो प्रवाह हमारे नियंत्रण में नहीं रहेगा, तो हमारी चिंताएं दोगुनी तिगुनी बढ़ जाती हैं। और चीन के इरादे जो हैं उन पर तो हमेशा ही शंका और सवाल खड़े किए ही जा सकते हैं। कल को हम देखें, अगर चीन अपने बांध को खोल देगा तो स्वाभाविक रूप से पानी ज्यादा आएगा। केदारनाथ की घटनाओं के पीछे भी कहा गया था उस समय कि इसमें चीन का हाथ हो सकता है। देखिए, केदारनाथ वाले मामले में चीन के हाथ होने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं अभी तक। जो तथ्य सामने आए उसमें यह है कि जो एक जलाशय था वो लगातार भर गया था, और उसकी जो बाहरी दीवारें हैं वो टूट सकती हैं। इसका उस वक्त के वैज्ञानिकों ने, पर्यावरणविदों ने भी चिंता जताई थी, और उसी के साथ उन्हीं 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा बारिश होने से भी ये दिक्कत हो गई कि वो हादसा हुआ। अभी तक तो जो भी प्रमाण सामने आए उसको देखते हुए कहा जा सकता है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र वाला मामला है, और उसमें देखिए बांध के गेट खोलने से दिक्कतें होती हैं, हादसे होते हैं, और हम जब यहां पर देखते हैं कि ओमकारेश्वर पर बने हुए बांध को खोलने से नर्मदा नदी पर स्नान करने वाले लोग हादसे का शिकार होकर मर जाते हैं। आपको याद होगा ओमकारेश्वर में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, तो फिर चीन से आने वाले पानी की वजह से होने वाले जो हादसे हैं वो तो निश्चित तौर पर ज्यादा गहरी चिंता का विषय है। इसके बारे में एक चीज और कही जा रही है कि अरुणाचल की परियोजनाएं भी इससे प्रभावित होंगी। निश्चित तौर पर देखिए, हमने उस अभी जो पानी का प्रवाह है ब्रह्मपुत्र में, उस पानी के प्रवाह और उपलब्धता को देखते हुए हमारे यहाँ पर पनबिजली योजनाएं बनाई हैं। अरुणाचल और उसके आसपास जो बांध बने हैं वो जो सारी गणना है उसके आधार पर बने हैं। लेकिन चीन जब अपने यहाँ पर बांध बनाकर उस पानी को उधर रोकेगा, तो निश्चित तौर पर प्रवाह पर, गणना पर, और वैज्ञानिक इसके आकलन में लगे हैं। जानकारी ये भी है कि भारत ने इसकी वजह से जो प्रभाव होंगे उनको सबका गंभीर गहराई से विश्लेषण आकलन करना शुरू कर दिया है, और उसके हमारे यहाँ की पनबिजली परियोजनाओं पर होने वाले प्रभाव का भी बहुत सूक्ष्म आकलन विश्लेषण शुरू हो गया है। लेकिन उससे निपट हम किस तरीके से पाएंगे, आकलन हम भले ही कर लें, लेकिन हमारी जो परियोजना है क्या वो धरी रहे, यह हमें नहीं पता। ये वैज्ञानिकों को हमें बताना होगा। भारत सरकार को भी चाहिए कि वो जनता को भी ज्यादा से ज्यादा इस बारे में अवगत कराए। और देखिए, चीन से एक तरफ हम व्यापारिक और अन्य मसलों पर दोस्ती बढ़ा रहे हैं, करार कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की जो सामरिक चिंताएं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इसके बीच में एक
रास्ता ढूंढना होगा कि हम चीन को जब इस तरीके से व्यापार का सहारा दे रहे हैं, चीन में बनी हुई वस्तुओं से हमारे बाजार पटे पड़े हैं। अभी आप दिवाली पर देखेंगे कि चीन में बनी हुई बिजली की लड़ियां जो है पूरे बाजार पर छाई हुई होंगी, पटाखे जो है वो चीन में निर्मित यहां पर हिंदुस्तान के बाजार में उपलब्ध होंगे, तो क्या इस सारे पैसे से चीन को हम उस तरह के बांध और परियोजनाएं बनाने जो हिंदुस्तान का नुकसान करें? ये एक बड़ा सवाल मैं यहां निश्चित तौर पर खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि आज के समय में जो है केवल जो जरूरी नहीं है कि कोई किसी को उपनिवेश बनाकर उसको गुलाम रखे, आर्थिक गुलामी एक बहुत बड़ी चीज सच्चाई आज के जमाने की बन चुका है, और हम निश्चित तौर पर किसी को उस तरीके से आर्थिक मदद नहीं पहुंचा सकते जिससे कि हमारी सामरिक हितों पर भी आंच आए। इन दोनों के बीच में हम किस तरीके से चीन से सख्ती से बात करें जिससे इस तरह के मसलों पर हमें बेहतर परिणाम सामने दिखाई दें, ये एक बड़ी रणनीतिक चाल होगी, सोच होगी, और भारत इस दिशा में कैसे कदम बढ़ाता है ये देखना होगा। पर इस परियोजना को लेकर भारत की जो चिंता है वो मुखर रूप में सामने जरूर आएंगी। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे तिब्बत में चीन के पावर स्टेशन की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।